ये आज का बेल्जिक है, मॉडर्न बेल्जिक। अच्छा, ये नाश्ते में इतनी ज्यादा वैरायटी जो है वो, ये जी ड्राइवर है टैक्सी की, इनका नाम है अफाकन। अस्सलाम वालेकुम, अभी नाश्ते के लिए हम बेल्जिक के एक रेस्टोरेंट में सुबह सुबह आए हैं। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत मंजर है, हाइट के ऊपर हम बैठे हुए हैं इस वक्त। तो बेल्जिक जो था ये बड़ा इम्पोर्टेंट था, जब अर्तुगरुल जो है वो एक स्ट्रगल कर रहा था एक सल्तनत बनाने के लिए, तो बार बार आपने अर्तुगरुल ड्रामे में देखा होगा कि बेल्जिक का जिक्र आया, जहाँ का ज़िम्मेदार जो था जिसने किला बनाया हुआ था उसके साथ एग्रीमेंट्स होते रहते थे। तो बेल्जिक तो था हमारे जहन में, वो तो यही था कि एक पुराना सा शहर होगा और वहाँ पे अभी भी हिस्टोरिकल चीज़ें होंगी। लेकिन आज का जो बेल्जिक है ये तो बहुत बदल चुका है। यहाँ से सिर्फ 25-30 किलोमीटर जो है साउथ है, जहाँ पे अर्तुगरुल का मकबरा है, अभी हम वहीं पे नाश्ते के बाद जा रहे हैं। लेकिन आज का जो बेल्जिक है वो बहुत ही मॉडर्न शहर है। ये भी आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर आप बैक पर देखिएगा, ये बिल्डिंग्स आपको दिखाई दे रही होंगी, ये सारा बेल्जिक शहर है। ये देखें, बिल्कुल मॉडर्न, बिल्कुल ये कह लें कि एक ही तर्ज के सारे घर हैं। और बड़ा खूबसूरत जो है वो व्यू है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, बहुत ही खूबसूरत व्यू। ये सारे के सारे जो हैं वो एक ही तर्ज के घर बने हुए हैं। हम जिन जिन शहरों में गए हैं वहाँ पे तुर्की में, ये बड़ी एक यूनिक बात हमें लगी है कि एक ही तर्ज के जो हैं वो घर बने हुए होते हैं। तो आपको ये एक ही तर्ज के सारे बिल्डिंग्स जो हैं वो दिखाई दे रही होंगी। तो ये बेल्जिक है और इसके इस तरफ तो सारी बिल्डिंग्स हैं, लेकिन हम अगर थोड़ा सा इसके पीछे देखते हैं तो वहाँ पे सारा पहाड़ी एरिया है। यहाँ पे आपको पहाड़ भी दिखाई दे रहे होंगे साइड पे। तो ये पहाड़ी एरिया है सारा, जो हमें ड्रामा में दिखाया जाता होगा यकीनन ये वही पहाड़ी इलाका होगा। और ये यहाँ पे भी पहाड़ होते होंगे क्योंकि ये भी हाइट के ऊपर है, लेकिन इसको फिर आज का जदीद जो है वो बेल्जिक बना दिया गया। बेल्जिक बेसिकली जो है अब तुर्की जो है उसका एक सूबा है, ये वाला बेल्जिक। तुर्की के जो हैं वो टोटल जो हैं वो 81 जो हैं वो सूबे हैं, 81 जो हैं वो सूबे हैं। और वो सारे के सारे जो हैं वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एडमिनिस्ट्रेशन है। जिस सूबे में हम जाते हैं वहाँ पे एक बड़ी मज़े की बात यह है कि सफाई नीट एंड क्लीन और हर चीज़ जो है वो एक जैसी है। मिसाल के तौर पे अगर हम बस स्टैंड के ऊपर गए हैं तो बस स्टैंड एक ही स्टैंडर्ड के बने हुए हैं। हमारे यहाँ तो देखें अलग अलग शहर में अलग अलग स्टैंडर्ड है बस अड्डों का भी और इस तरह से, लेकिन यहाँ पे तो एक जैसा ही स्टैंडर्ड है। तो ये यहाँ पे एक बड़ी यूनिकनेस है कि ये एक जैसी ही तमाम जगहों पे बिल्डिंग्स हैं, एक जैसा ही मायार है। बेल्जिक शहर जब हम यहाँ पे आ रहे थे तो हमें लग रहा था कि शहर इतना डिवेल्प नहीं होगा, लेकिन ये बहुत ही डिवेल्प जो है वो सिटी है। ये भी आपको नज़र भी आ रहा होगा कि कितना डिवेल्प है, कितना मॉडर्न है। तो अभी यहाँ पे हम बेल्जिक में यहाँ इस होटल पे नाश्ता करेंगे। मेरे साथ अशफाक अहमद हैं जो पाकिस्तान से मेरे साथ विज़िट के ऊपर आए हुए हैं। तो हम यहाँ पे इकट्ठे ही जो है वो तमाम शहरों में गए हैं, पहले इस्तांबुल, फिर अनातालिया, अब जो है वो हम बेल्जिक में हैं। तो बहुत हम इंजॉय कर रहे हैं सफ़र को। अशफाक साहब आप भी इंजॉय कर रहे हैं सफ़र को? तो बेल्जिक कैसा लगा आपको? बहुत ज़बरदस्त शहर है, बहुत अच्छी आबादी हमारी यहाँ पे। आप जब आमतौर पे हमारे यहाँ पाकिस्तानी हैं जो वो आते हैं तो वो इस्तांबुल से डायरेक्ट साउथ की तरफ जाते हैं अर्तुगरुल के मकबरे के ऊपर, लेकिन अगर आप यहाँ पे बेल्जिक में आएँ, बेल्जिक में देखें बहुत कम लोग जो हैं वो बेल्जिक में रात गुजारते होंगे। तो आप बेल्जिक में आएँ, एक तो यहाँ पर होटल आपको सस्ते मिल जाते हैं, दूसरा ये इतना पीसफुल, इतना पुरअमन और इतना पुरसकून इलाका है कि आप हैरान हो जाते हैं यहाँ पे देख के। हमें सच्ची बात यह है कि हम इस्तांबुल में भी रहे, हम अंतालिया में भी रहे और अब यहाँ पे बेल्जिक में आए हैं, यहाँ से हमने सोच जाना है, लेकिन जो सुकून हमने यहाँ पे बेल्जिक में देखा, जो सफाई यहाँ पे देखी, कंपेरेटिवली वहाँ पर इस्तांबुल में इस तरह की सफाई नहीं थी। बहरहाल अभी हम नाश्ता करते हैं और इसके बाद हम साउथ की तरफ निकलते हैं। ड्राइवर हैं टैक्सी के, इनका नाम है हाकन। हाकन तुर्किश वर्ड है और इसकी मीनिंग्स हैं रूलर। तो ये हमें जिस रेस्टोरेंट पे लेके आए इस नाश्ते के लिए, तो ये तुर्किश नाश्ता है जी, देखें इनका ये नाश्ता है इनका तुर्किश, ये हम यहाँ पे भी करेंगे। अच्छा, ये नाश्ते में इतनी ज़्यादा वैरायटी जो है वो यूज़ करते हैं, देखें कि ये शहद होता है, जैम्स, और ये फिर पीस जो होते हैं मटन के, ब्रेड, बटर,
और एग, पता नहीं क्या क्या ये चीज़ें जो है वो नाश्ते, और जहाँ पे भी आप जाएँ ये इनकी रवायत है कि ये नाश्ता जो है वो इतना भरपूर करते हैं। ये आज का बेल्जिक है, मॉडर्न बेल्जिक। हमने अतुगढ़ ड्रामा में सिर्फ बेल्जिक की पहाड़ियाँ देखी थीं या फिर किले देखे थे, जिम्मेदार का किला देखा था, लेकिन ये जो है ये आज का बेल्जिक है। आज ये एक मॉडर्न सिटी है, बिल्कुल मॉडर्न। आप देखें एक जैसी बिल्डिंग्स हैं, एक जैसा जो है वो सारी कंस्ट्रक्शन हुई है। सिर्फ कमर्शियल एरिया जैसे ये कमर्शियल एरिया है तो कमर्शियल एरियाज़ की बिल्डिंग जो थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, बाकी सारी की सारी जो हैं वो सेम होती हैं बिल्डिंग्स। यहाँ पे आप देखें ये पहाड़ी एरिया है बेल्जिक का, ये पहाड़ी एरिया है। और इस रेस्टोरेंट में अभी हम नाश्ते के लिए रुके हुए हैं। ये हमारी टैक्सी के ड्राइवर हैं, इनको हम साथ अभी ले जा रहे हैं, इनके साथ ही जाएंगे साउथ की तरफ।